एक्ट नगर में नगौनी के गांव में जोरों शोरों से स्वागत किया जा रहा है। इस मीडिया की रिपोर्ट आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा क्षेत्र नागौन से जो भारतीय जनता पार्टी ने फिर चुनाव मैदान में उतारे हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सभी के सामने हम दिखा रहे हैं जो ये रिपोर्ट ग्राउंड मीडिया की। इस प्रकार से फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और कितना धर्मशाला मुड़ा स्वागत के लिए गाँव में हम दिखा रहे हैं आप सभी को। देखिए किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है कैप्टन अभिमन्यु जी का भी। ये सर क्या कहना चाहेंगे, गांव का कितना समर्थन मिल रहा है? गांव का पूरा आशीर्वाद है जी और हमेशा रहा है। और गांव की एकजुटता ये हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मिसाल है और इसका कोई सानी पूरे हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान में भी नहीं मिलता है। कैप्टन अभिमन्यु जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है, दिग्गज नेता हो, वित्त मंत्री हो, किस तरह का आपके बार इतिहास रचने वाले हो। अभी बात कर रहे थे मलिक साहब ने, पर भारी ने कहा था कि पूरे भारत में एक अलग से ऐसी सीट रहेगी जहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु बहुत सारी वोटों से जीतेंगे। कैप्टन अभिमन्यु की नहीं जी, नानंद हल्के के बच्चे बच्चे की जीत होगी, नानंद हल्के की 36 बिरादरी की जीत होगी और नानंद हल्के के विकास की जीत होगी, नानंद हल्के के भाईचारे की जीत होगी। कैप्टन साहब नामांकन पत्र कब भर रहे हैं? 3 तारीख को नारनौंद के अंदर सुबह 10:30 बजे जी एक विशाल जनसभा के साथ। चलिए सर, क्या संदेश देंगे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र नारनौंद के जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? नारनौंद का भविष्य कमल के फूल के साथ है जी और नारनौंद का सुनहरा और स्वर्णिम भविष्य आने वाले 5 साल में हम सब मिल करके लिखेंगे। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री बने रहिए ग्राउंड। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आज सुबह घर से निकल करके मैं करनाल गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नामांकन भरने का कार्यक्रम किया। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि करनाल पहुंचना है। कल टिकटों की घोषणा हुई, घोषणा होते ही मुझे विचार था कि जैसे हमेशा की परंपरा रही मैं गांव में आकर के और आप सबका आशीर्वाद लेते हुए चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करूं, तो पहले एक बार करनाल जाकर के सीधा करनाल से मैं यहां करके और दादा परशुराम की जोत आप सबकी हाजिरी में लगाई। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, दादा परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके मन के संकल्पों को पूरा करें और आपकी फतह इस बार बहुत ही शानदार और शानदार होने जाएगी। 5 साल पहले अपने नानंद हल्के ने हरियाणा की विधानसभा में मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके, चौकीदार बना करके अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया और 5 साल लगातार रात दिन हमने मेहनत करके और अपने हलके के अंदर विकास के जितने काम कराने की कोशिश की। मैं अगर 5 साल पूरे हुए हैं और अगले 5 साल के लिए फिर आपके साथ में हाजिर हूं तो मेरा फर्ज है कि केवल कुछ बातें, सारी कहानी नहीं कह पाऊंगा। काम आपने इतने करे हैं कि उनको चंद कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में वो बात नहीं बताई जाएगी, लेकिन मोटी मोटी बात अपने नानंद हल्के में जो 5 साल में हुए, एक पुरानी मांग थी कि छोटे मोटे काम के लिए भी हमारे जामणी बखलाना, धर्मखेड़ी, उगाड़न और खेड़ा और कहां मोड़ा पर छप्पर हम सबको अपने काम करवाने के लिए सब डिविजन ऑफिस में या हांसी या हिसार जाना पड़ता था। हमारे बुजुर्ग बहुत लंबे समय से मांग करते थे कि हमारे यहाँ सब डिविजन होनी चाहिए, एसटीएम बैठना चाहिए, अदालतें लगनी चाहिए और आज अपना सपना पूरा हुआ और अब नानंद में एसटीएम बन गया, एसटीएम का दफ्तर बन गया, बास तहसील बन गई, चोपड़ा सब तहसील बन गई प्रशासनिक दृष्टि से और अब नानंद के अंदर सब डिविजन स्तर के जज अदालत वो भी अगले महीने से वो नानंद में ही बैठा करेंगे और बहुत वकीलों को काम भी मिलेगा। इसके साथ साथ अपने इलाके में 3 लाख लोगों में
6000 बच्चे साल में 10वीं 12वीं कम से कम पास करते थे, लेकिन पढ़ने के लिए एक भी कॉलेज नहीं थी। हमें दूर दराज जाना पड़ता था, बहन बेटियों को ब्याह करके उनको एक प्रकार से पढ़ाई से वंचित रखने को मजबूर हो जाते थे। बसों में भेजने की हिम्मत नहीं होती थी। अपने हलके के अंदर एक भी कॉलेज मंजूर शुदा नहीं था। और आज हरियाणा प्रदेश में नानों जैसा हलका है कि 13 साल मुख्यमंत्री रहे उनके हलके में भी, 10 साल मुख्यमंत्री रहे उनके हलके में भी, आदमपुर हो गलोई हो उसमें भी 4 कॉलेज और 4 ITI नहीं है। नानंद के अंदर 4 कॉलेज और इनसे भी बड़ा शिक्षा का केंद्र लुवास का सेंटर वो अपने खांडाखेड़ी के अंदर बन रहा है, जो यूनिवर्सिटी है लुवास की उसका सेंटर भी बन रहा है। इनसे भी बड़ा सेंटर है, कॉलेज से भी बड़ा सेंटर है। ये पढ़ाई लिखाई के जितने स्कूल अपग्रेड करने थे, नानंद हल्के का अपना एक 30 बिस्तर का सबसे बड़ा अस्पताल नानंद में था। आज आप सबके आशीर्वाद से नानंद हल्के में ऐसा अस्पताल बन रहा है जो हरियाणा प्रदेश की बहुत सारी सब डिविजन में नहीं होगा। 100 बिस्तर का अस्पताल नानंद में बन रहा है, जिसमें 30 बिस्तर महिलाओं के लिए, जच्चा बच्चा के लिए एयर कंडीशन वो वार्ड है अलग से, 30 बिस्तरों का एयर कंडीशन हॉस्पिटल बन रहा है। अपनी मंडी अपग्रेड हुई, अपनी नहरें दोबारा बनी, अपनी अनेकों खार, अपनी अनेकों माइनर, अनेकों ड्रेन वो अपने हल्के में बनी। पीने का पानी 59 से 59 गांव में बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, कि अगले 20-25 साल तक कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं, केवल उसमें कुछ बढ़ोतरी करनी है, उससे काम चलेगा। या तो काम पूरा हो गया और या कोई 6 महीने के बाद कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें पीने का पानी घर घर नलके से नहीं पहुंचेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे बारा के इलाके में हिमालय की गोदी से निकला हुआ भाखड़ा से नीला पानी वो हमारे गांव के अंदर घरों में वो टूटी नलके से पहुंचेगा। आज वो सपना अपना साकार हुआ। आज ये सड़कें, ये दो दो नेशनल हाईवे मंजूर हो रहे थे। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार के मंत्रालय में गया, उन्होंने कहा कि जी इसमें तो पैसा बहुत लगेगा और इसमें तो टोल लगाना पड़ेगा। आपके आशीर्वाद की ताकत थी कि वहां मेहनत करके, फाइलों के ऊपर मेहनत करके, अपना नानंद हल्का ऐसा अकेला हल्का है, चारों तरफ घूम करके आप नानंद से जैसे बाहर निकलोगे किसी न किसी टोल में टक्कर मारनी पड़ेगी। नानंद में एक भी टोल नहीं आता। आसपास किसी हल्के में घूम के देख लेना, हर जगह कहीं ना कहीं टोल आएगा, लेकिन नानंद में नहीं। और इसी तरह से अपना इलाका आज उन्नति और तरक्की के सपने ले रहा है। आज अपना इलाका एक नए भविष्य के अरमान ले रहा है। आज अपना हल्का अंगड़ाई ले रहा है। आज ये पिछड़ा इलाका नहीं है। और ये विकास के काम गांव गांव गली गली ये जितने काम हुए हैं, आप सोचते होंगे काम बहुत हो गए, लेकिन मैं भी आप ही का खून हूं और मैं भी इस संकल्प को लेकर के बड़ी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कति ना मानियो अभी कुछ काम नहीं हुए, इवे तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर तो भी बाकी है। का विकास इस भाई ने किया है। और दोस्तों मेरे बुजुर्गों की आज भी बात याद है, एक बार बरगद के पेड़ पर आग लग गई थी दोस्तों, उसके अंदर सैकड़ों जीव जंतु पक्षी रहते थे। बरगद ने उनसे विनती की, ऐ पक्षियों तुम्हारे तो पंख हैं, तुम मेरे साथ क्यों जल रहे, तुम तो उठ जाओ। लेकिन उस पेड़ के अंदर कई वफादार पक्षी बैठे थे, उन्होंने एक ही कहा, ऐ वृक्ष हमने तेरे फल खाए हैं मीठे, कड़कती धूप से तड़पती सर्दी से आपने बचाया है, और आज आपकी अग्नि परीक्षा है तो हम आपको कैसे छोड़ दें। आपके साथ पेड़ के साथ हम जल के मर जाएंगे, लेकिन आपको हम नहीं छोड़ेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक ही विनती करता हूँ, जो नानंद हल्के के अंदर विकास कार्य इस बरगद रूपी अभिमन्यु ने कराए हैं, ये एक मिसाल है, ये हमने वोट नहीं देते तो आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि ना
नानंद हल्के के अंदर राम राज्य स्थापित किया था और आपने कयूस राम राज्य को तोड़ने का काम किया तो पिताजी उसमें आपका हाथ था। हम किस मुंह से अपने बच्चों के सामने जाएंगे, कैसे गर्व से कहेंगे कि बेटा हमारी योगी संतान है, हमने इस पेड़ को गिरने नहीं देना दोस्तों, ये बहुत अच्छे मीठे फल देगा। सपने हमने भी देखे हैं, हर इंसान सपना देखता है दोस्तों, किसी इंसान के सपने पूरे हो जाते हैं और कुछ सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं। जो अधूरे सपने हमारी आंखों के सामने टूटे हैं वो एक कांच की बिल्डिंग की तरह थी जो दोबारा जुड़ नहीं सकते। और कैप्टन अभी मैनू नानू बल्के का सपना नहीं दोस्तों, ये हकीकत है और इस हकीकत को हम सब पहचान कर सरपंच साहब ने कहा था हम खट्टर साहब से भी बड़ी जीत नारणू से कैप्टन अभिमन्यु को देंगे और प्रदेश की भागवत के अंदर कैप्टन अभिमन्यु का अहम रोल होगा। मैं तो यही विनती करता हूं दोस्तों, सभी बातें बुलाकर आने वाली 30 तारीख को एक एक आदमी अपनी जिम्मेवारी स्वागत किया जा रहा है इस मीडिया की रिपोर्ट आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। और देखिए कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा क्षेत्र नारनौंद से जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारे हैं, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आप सभी के सामने हम दिखा रहे हैं जो ये रिपोर्ट ग्राउंड मीडिया की, किस प्रकार से फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और कितना धर्मशाला मुड़ा स्वागत के लिए गाँव में हम दिखा रहे हैं आप सभी को। देखिए किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है कैप्टन अभिमन्यु जी को भी। अभी एक दिखाना चाहेंगे सभी दर्शकों को, एक कांटा है, कांटे पे क्या तोलेंगे, एक बार तराजू है, तराजू पे क्या तोल करके दिखाएंगे एक बार। बराबर में खुद करवा लेंगे, बराबर में मीठा में करवा दे, मीठा में करवा दे, हाँ खड़े जी मीठा में करवा दे, गाड़ी में जा दे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।